दोस्तों अभी हम हैं सेक्टर 17 रोहिणी में और यहाँ पे लोगों की राय जानेंगे कि क्या चल रहा है इलेक्शंस के अंदर और किसको वोट करें किसको नहीं करें। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे हमारा। किसकी सरकार आ रही है सर? अभी माइन जो है सेटिंग में नहीं है सर। ओके, अभी कोई विचार नहीं किया है? अभी कोई विचार। क्या लग रहा है कि कौन कौन सी पार्टी सरकार में आएगी? देखिए कुछ नहीं सोचा पब्लिक के ऊपर, मैंने तो अभी कुछ नहीं सोचा। देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं अंकल जी, पार्टी कौन सी जीत रही है? देखो अब पार्टी जीतेगी ऐसा लग रहा है। कितनी सीटें ला रही है? अब वो तो माहौल के अनुसार आएगा सीट। माहौल के अनुसार चला, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों और जानते हैं क्या लोगों का राय है, क्या मत है। कैसे हैं सर, कौन सी पार्टी आ रही है? उम्मीद तो केजरीवाल जी की है। केजरीवाल जी, ओके, क्यों आ रहे हैं केजरीवाल? अब क्यों, पब्लिक ला रही है उनको? ऐसे क्या काम करवाएं? करें क्या, पीछे सर्वे आया था तो उसमें जो है केजरीवाल जी का बहुमत दिखाया था, तो इसीलिए उम्मीद है कि केजरीवाल जी आएंगे। ओके, और भाजपा क्यों नहीं? पब्लिक नहीं कम चाहती है उनको। कम चाहती है मतलब काम ज़्यादा करवाएं दिल्ली में। क्या क्या काम करवाएं आपके रिठाला में, क्या कुछ करवाया काम? रिठाला में स्कूलों में सुधार हुआ है, हॉस्पिटल्स में हुआ है सुधार, मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, अलॉट्स हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो कुछ है। धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी सर। आम आदमी पार्टी जी। आप? जय माता की। जय माता की, कोई नहीं वोट ही नहीं है। ओके, आम आदमी पार्टी क्यों? सर काफ़ी काम किए हैं, आप देखिए कई छोटी जो मोटी जो कॉलोनी है उनमें देखो कितना काम कर रखा है उन लोगों ने। मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह हैं, काफ़ी हैं, हॉस्पिटल में सुधार है, स्कूल में कितने सुधार हैं, रोड्स बने हैं, नालियां बनी हैं हमारे यहाँ पे, काफ़ी काम है और पानी भी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, बढ़िया पानी आ रहा है। पानी की तो सर जैसे बताया कि दिल्ली में सबसे ख़राब पानी आता है पूरे देश के अंदर। सर ऐसे तो कुछ नहीं है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पानी बहुत अच्छी है। और ये जो दिखाते हैं कि पानी गंदा आ रहा है, हमें नहीं लगता कहीं गंदा पानी आ रहा है सर। महिलाओं के लिए क्या कुछ? महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा कर रखा है सर, बसों में फ्री टिकट्स भी कह रहा है, सब चीज़ है जी सर। कि ये अब अगर जैसे जो भी पार्टी आती है उसमें एक चीज़ सुधार चाहते हैं कि जैसे पानी है या और कोई डिपार्टमेंट है उनको प्राइवेट कर दिया जाए तो बहुत बेटर है, पब्लिक को बहुत सुविधा हो जाएगी उससे। जैसे बिजली प्राइवेट हो गई तो सुधार हो गया उसमें। प्राइवेट करेंगे तो फिर फ्री कैसे देंगे? फ्री मत दो, फ्री मत दीजिए। लेकिन अब आज बिजली प्राइवेट है 24 घंटे मिल रही है पब्लिक को, पानी प्राइवेट हो जाएगा 24 घंटे मिलेगा, पे करने को तैयार है पब्लिक, लेकिन 24 घंटे चाहिए, क्वालिटी मिल जाएगी पे करेंगे तो। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम देने के लिए और बात करते हैं जो क्या लोग कह रहे हैं। देखिए सबका अपना अपना मत पाएगा और कैसे हैं? बढ़िया सर। किसको जिता रहे हैं? सर हम तो केजरीवाल को जिताएंगे। केजरीवाल को? बिल्कुल सर। क्या किया केजरीवाल जी? अरे बहुत कुछ किया सर। क्या किया? सर बिजली पानी जहाँ तक कि रोड की सड़कें हर एक चीज़ अच्छा ही किया उसने। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तो जी हिंदू मुसलमान में ना लड़ाया उन्होंने। अच्छा। बहुत अच्छा उन्होंने किया है जो हिंदू मुसलमान को लड़ा के। यहाँ दिल्ली में कहाँ लड़वाया? हम नागलोई में रहते हैं सर। नहीं दिल्ली में कहाँ, ऐसा क्या कर दिया हिंदू मुसलमान वालों ने? अरे सर देख नहीं रहे आप न्यूज़ पे? देखते नहीं आप? देखते हैं। फिर देखते हैं तो फिर सब पूछने वाली कोई बात ही नहीं है सर। नहीं कौन से मुद्दे के बारे में बोल रहे हैं आपकी, किस चीज़ में लड़वाया? अरे सर किसी भी चीज़ में ले लीजिए आप, किसी भी बारे में ले लीजिए। महिलाओं के लिए क्या काम किया केजरीवाल जी ने? महिलाओं के लिए उन्होंने सर ये किया कि उन्होंने बस में फ्री कर दिया हर एक चीज़ के लिए, और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं करी हैं। और क्या कह सकते हैं सर केजरीवाल के लिए? ओके, धन्यवाद जी टाइम देने के लिए। ओके सर। और मैडम है, मैडम से भी जानेंगे। कैसे हैं मैडम? ठीक हूँ मैं। किसकी सरकार आ रही है? केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी की, कारण? एक तो ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओके, सबसे बड़ी अचीवमेंट, हमारा बेटा जाता है इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता है, हम मतलब हमें प्राउड फील होता है कि हमारा बेटा इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, फ्री में जाता है, फ्री में पढ़ाई करता है, सिर्फ एक क्लास में 25 बच्चा पढ़ेगा
26वां नहीं पढ़ता उसमें। इसका कारण? और सारी जो फैसिलिटीज है वो प्राइवेट स्कूल जैसी है। लेडीज के लिए जो बसों में ट्रेवल फ्री किया है उसके बारे में? वो भी ठीक है। और मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी जो है ना, वो मोदी जी बाहर ही लगे रहते हैं, देशवासियों का ख्याल नहीं रखते हैं वो। उनको बाहर अपनी जो है ना शोहरत पे ज्यादा यकीन है कि भाई बाहर मुझे शोहरत मिले, देशवासियों का कुछ भी हो। धन्यवाद मैडम चैनल को टाइम देने के लिए। थैंक यू। आगे देखते हैं। शक नहीं है, केजरीवाल जी ने काम किया है तो किया ही है। बिजली का बिल नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है। ओके। पानी का बिल भी ऐसे ही है। ओके, थैंक यू मैम। आगे देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं और क्या लोगों के राय है, क्या कह रहे हैं। हेलो मैम, किसकी सरकार आ रही है? भगवान, I don't know, आप पूछ लो। कोई पता नहीं, कैसे सर? किसकी सरकार आ रही है सर? हमें क्या पता सर, हम तो आपको कुछ लगता तो होगा कि इनकी सरकार आ रही है। आप जिसे मर्जी वोट करें, लेकिन आप अपनी राय तो दे सकते हैं। वैसे तो बीजेपी की आ रही है, आनी चाहिए बीजेपी। बीजेपी क्यों? अब सब तो, अब किसकी पता है, सब तो झूठे हैं अंधे। और केजरीवाल जी ने क्या कुछ करवाया यहाँ पे? कुछ काम करवाए हैं? नहीं करवाए, नहीं काम करवाया। ये रोड ही नहीं, ये बना था 5 साल पहले, वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। ये पानी वगैरह साफ आता है कैसा? हमारे घर का बहुत गंदा पानी आता है, हम तो कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं। और बिल भी खूब आता है मीटर लगने के बाद में भी। कह रहे हैं फ्री में दे रहे हैं बिजली पानी तो? नहीं सर, ये कुछ भी नहीं, फ्री आज खुद बना रहे हैं, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? जैसे भाई साहब बोले हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। कितनी सीटें आने की संभावना है? भाई साहब मैं क्या बताऊं, मैं तो नया है। आएगी। चलिए, धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या कहना है लोगों का, दिल्ली की जनता क्या बोलती है, और बात करेंगे। देखते हैं दोस्तों, बात करेंगे। यहाँ पे लेडीज हैं। हेलो मैम, इलेक्शन के बारे में बता दीजिए थोड़ा, क्या चल रहा है, किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो केजरीवाल की सुनने में आ रही है, उसी की सभी कह रहे हैं, सबके मुंह पे केजरीवाल ही है। केजरीवाल जी ने क्या काम करवाए हैं आपके एरिया में? कुछ काम करवाए हैं हमारे एरिया में? एक तो घरेलू सबसे बड़ी चीज है, जो बिजली का बिल है, सबके लिए काफी सुविधा है। बिल माफ होता है क्या आपका? हाँ, हमारा पिछले महीने 270 आया, एक बार 10 रुपए आया बस, थोड़ा। सिर्फ 10 रुपए? ओके। और पानी का? पानी का तो एक्चुअली मैं रेंट पे रह रही हूँ अभी, तो हमें उसका बिल का कुछ पता नहीं है। और बसों का जो फ्री किया, उसके बारे में क्या? बसों के बारे में सर, मैं तो अभी बस का, महिलाओं के लिए फ्री कर दिया ना? हाँ, महिलाओं के लिए कर दिया, पर मेरा अभी बसों में आना जाना नहीं हुआ, इसलिए मैं उसमें कुछ बता नहीं सकती। तो ये है मैडम जी, केजरीवाल का बोल रहे हैं। और कैसे हैं अंकल जी? बहुत बढ़िया जी। किसकी सरकार आ रही है? केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल की? बिल्कुल। क्या क्या काम करवाए हैं? बहुत काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है जी। क्या क्या काम करवाए? स्कूलों की है, जो शौचालय जो भी है, सब कुछ बहुत अच्छे काम कर रहा है। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा तो बाहर आ जाएगी, बहुत है दिल्ली में, केजरीवाल अच्छा रहेगा। कांग्रेस? कांग्रेस का पत्ता साहब है, पत्ता साहब बिल्कुल बिल्कुल लग रहा, क्योंकि हमने काफी जगह पूछा है, कोई कांग्रेस का तो नाम ही नहीं लेते। कांग्रेस के नाम, कांग्रेस में कोई क्यों नहीं है कि उसमें कोई मंत्री कोई अच्छा आदमी नहीं लग रहा अभी, ठीक है ना जी। आपके एरिया में कौन जीत रहा है? मेरे एरिया जी, यहाँ से अमंत का से लेके यहाँ तक का है, केजरीवाल का ही आएगा। नहीं, विधायक कौन से जीत रहे हैं? विधायक जी अपना क्या नाम, उसका नाम भूल गया मैं, उसका आम आदमी के, आम आदमी का, आम आदमी। ओके, तो दोस्तों यही है अंकल जी ने बताया अपना फीडबैक, धन्यवाद अंकल जी टाइम देने के लिए। आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो देखो जी, सबसे बड़ी चीज़ है सबके लिए ही है, केजरीवाल की बड़ी उम्मीद है। केजरीवाल की? कारण केजरीवाल जी ने क्या क्या काम करवाया इसे? उन्होंने जड़ पकड़ी है दिल्ली की, गरीबों के लिए, जो कम पूंजी वाले लोग हैं उनके लिए है, जिनके घर में स्थिति नहीं है उनके लिए लाइट का, बिजली का उन्होंने बिल माफ़ करवाया, जो करवाया 200 यूनिट का, पानी का, और शिक्षा के ऊपर अधिक ध्यान है उनका। ओके।
और भाजपा क्यों नहीं? भाजपा जी देश, भाजपा ऐसा है जी, वो देश चला सकती है, दिल्ली नहीं चला सकती है। दिल्ली नहीं चला सकती, और दिल्ली एक घर है, वो घर केजरीवाल। ओके। और भाजपा ने यहाँ कुछ काम करवाए हैं? हाँ, करवाए हैं, काफ़ी काम करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे इस मार्केट के लिए उन्होंने बहुत कुछ करवाया है, बहुत कुछ किया है। मतलब ऊपर मोदी और नीचे केजरीवाल। ऊपर मोदी, धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करेंगे हम, और लोगों से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं, क्या फीडबैक है। ये वैसे एक्चुअल में क्लोथ मार्केट सी है सारी, कपड़ों ही कपड़ों की दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं। और बात करते हैं, कैसे हैं सर? बढ़िया सर। किसकी सरकार आ रही है? सरकार केजरीवाल की आएगी सर। कारण? कारण काम देख लो आप, उठा के काम देख लो आप, जितने मर्जी सारे काम अच्छे करें। क्या क्या काम करवाए? स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेज। भाजपा क्यों नहीं? व्यापार की ऐसी तैसी कर दी उसने। कैसे? खाली बैठे, देखो आपके आगे बाहर बैठे हुए। अच्छा, कारण क्या? जीएसटी वगैरह? वो नोटबंदी सबसे पहली, नोटबंदी उसके बाद जीएसटी हमारी, ये दो कारण सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। कांग्रेस? कांग्रेस नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, बिल्कुल साफ है कांग्रेस, बिल्कुल साफ है, झाड़ू फिर गया उस पर। आप क्या कहते हैं? किसी की वजह सर, काम पे डिपेंड करता है। नहीं आया, किसकी आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। ओके, बीजेपी क्यों? हर तरीके सर, लोग दो महीने पहले से इलेक्शन आता है, उससे पहले तो क्या कहते हैं, बिजली का बिल, हर चीज़ में कुछ दिखाई देता है कि तीन महीने पहले से काम शुरू हो गया, उससे पहले क्या होता है? कुछ नहीं। फिर इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, दो तीन महीने तक सही रहेगा, उसके बाद फिर वही स्टार्टिंग हो जाएगा। बीजेपी दिखता तो है कि हाँ हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, दिखता है। लेकिन आपके एरिया में क्या काम करवाए हैं? हमारे में सर सबसे बड़ी बात है ना, कुछ भी हम सर सेक्टर 23 से रहते हैं। ओके। रोड से लेकर हर चीज़ सही है। ओके। कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। क्या लगता है, क्लियर कट बीजेपी आएगी या बहुमत रहेगा, किसका बहुमत रहेगा, क्या लगता है? बहुमत सर प्रॉपर तरीके से तो लग भी ना, क्योंकि केजरीवाल का ना यह है कि तीन चार महीने के अंदर जो वो कर जाते हैं ना एंड गेम है, उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। और ये तो हिंदुस्तान की राजनीति अलग है। चलिए, ये था, हमने बात की और जानने की कोशिश की लोगों से कि क्या फीडबैक है। और नेक्स्ट जो हम सर्वे करेंगे वो इसी एरिया के अंदर दूसरी जगह पे करेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोगों से जानेंगे क्या कह रहे हैं और क्या उनका फीडबैक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।